अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अनिला स्टाइलिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन अंगारा बनाने के लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और मसाले इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे अंगारा चिकन का कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और ज़ीरा मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। आप ज़ीरा कुटा हुआ भी ले सकते हैं और इस तरह से साबित भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम गरम मसाले का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। कुछ लोग रेड फूड कलर भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से ही बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। और 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इस तरह से कट कर लिए हैं। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक को बारीक कूट लिया है। और साथ ही इसमें जो है दही जाएगा 2 प्याली भर के। और ये 10 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अगर आपको ये फ्राई करना ना आते हो तो मैं इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 टेबलस्पून सिरके के और ये कुछ साबित गर्म मसाले इसमें जाएंगे जिसे मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कहाँ यूज़ होने हैं। अब मैंने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है, उसके लिए मैंने ब्लेंडर में सारा दही डाल दिया है। हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर मैरिनेशन तैयार करेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने उसको ऊपर से छिलका उतार लिया है और फिर मैंने ब्लेंडर में शामिल किया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक और जो मसाले मैंने आपको सारे बताए थे वो सारा कुछ इसमें शामिल कर देंगे। अभी सिर्फ पाउडर मसाले लिए हैं, साबित वाले जो मसाले मैंने बताए थे वो अभी हमने यहाँ यूज़ नहीं करने। और साथ ही मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए प्याज भी शामिल कर दूँगी जो मैंने आपको बताए थे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस रेसिपी में हम फ्राई किए हुए प्याज शामिल करेंगे क्योंकि जब भी हम कोरमा या इस तरह की ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर हम फ्राइड प्याज जो है वो यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने पहले से इनको फ्राई कर लिया था। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरह से हमने बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हमने मैरिनेशन जो है वो तैयार कर ली है। बस अब ये मसाला सारा बन जाएगा और यही मसाला जो है वो हम चिकन को लगाएँगे। चिकन अंगारा की रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी और आसानी से ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए, यहाँ मैरिनेशन के लिए मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, मैंने उसे एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर सारा चिकन जो है वो शामिल कर देंगे और सारे चिकन को हमने अच्छी तरह से ये मसाला लगा देना है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करने से बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप थोड़ा सा रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। अब मैंने इसके अंदर सारा चिकन शामिल कर दिया है और सारे चिकन को हम अच्छी तरह से ये मसाला लगाएँगे ताकि इक्वल जो है ये सारे चिकन को मसाला लग जाए। मसाला लगा के आप इसे 2-3 घंटे के लिए ज़रूर रखें, और अगर आप सारी रात के लिए रखें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपके घर दावत है, कोई गेस्ट आने हैं, तो आप यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो एक दिन पहले करके रख सकते हैं। एक दिन पहले रात को आप प्याज फ्राई कर लें और ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो प्याज के साथ ब्लेंड कर लें और चिकन को मसाला लगा दें और सारी रात के लिए उसको मसाला लगा रहने दें। और कुकिंग का प्रोसेस आप अगले दिन कर लें, अगर आपकी तरफ लंच है या डिनर है उससे 1 घंटा पहले आप इसे बनाएँ, बड़ी जल्दी से ये रेडी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों की हेल्प से सारे चिकन को अच्छी तरह से ये मसाला लगा दिया है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे और 2-3 घंटे के बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। अब 2-3 घंटे गुजर चुके हैं तो मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसे अच्छी तरह गर्म होने के बाद अब इस पॉइंट पर मैं साबित गर्म मसाले जो मैंने लिए थे वो शामिल करूँगी। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो अंगारा चिकन में से आएगी। जौन से ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे वही ऑयल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ऑयल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। साबित गरम मसालों को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई किया है तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर तमाम जो चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना क्योंकि ये जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, इसका चिकन और दही जो है वो पानी छोड़ेगा और उसी में ये गल जाएगा। आपने खुद से इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बस इसको ढक दें और पकने दें। और यहाँ आप देखें 5 मिनट के बाद ही चिकन और दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। एक दफ़ा इसको हम चम्मच से हिला देते हैं ताकि ये नीचे से लगे ना, और फिर ढक के हम इसको मज़ीद पकने देंगे जब तक कि ये पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता।
तो इस तरह से हमने 2-3 दफ़ा इसे चेक करना है और चम्मच से इसको हिला देना है ताकि ये जले भी ना और पानी भी पूरी तरह से खुश्क हो जाए। आपको इसकी लुक नज़र आ ही रही होगी कि कितना अच्छा सा रेड सा कलर इसमें आता जा रहा है और ऑयल जो है वो सेपरेट होता जा रहा है। मज़ीद थोड़ा सा और हम इसका पानी खुश करेंगे तो ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से चिकन और जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अच्छी सी भुनाई करेंगे तो बड़ी अच्छी सी इसकी लुक निकल आएगी। भुनाई आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है ताकि किसी किस्म की स्मेल भी ना रहे और चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ गई है। बस चिकन तो अब पक के रेडी हो चुका है, अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि चिकन अंगारा की रेसिपी है तो अंगारा की स्मोक देंगे। कोयले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इस तरह से फॉइल पेपर मैं इस तरह सालन में रख दूंगी और दूसरी साइड पे मैंने अच्छी तरह से कोयले को गर्म कर लिया है। देखें माशाल्लाह से कोयला भी बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है। इसको हम अंदर रखेंगे और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और फ़ौरन से ऊपर से ढक दूंगी। तो व्यूवर्स इस तरह से हमने अंगारा रख दिया है, देखें कितना ज़बरदस्त सा धुआं निकल रहा है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ ही मैं इसे ढक दूंगी। 10 मिनट हमने स्मोक दे दी है, धुआं निकलना बंद हो गया था, अब मैंने ढक्कन उठा दिया है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये चिकन अंगारा बनके रेडी हुआ है। पूरे ही घर में इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और कोयले की स्मोक देने से बड़ा अच्छा सा एक फ़्लेवर आता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपका चिकन अंगारा कैसा बना। और अब हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लेमन डाल देंगे। और साथ ही मैं आपको करीब से इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है। सभी कुछ शामिल कर दिया है तो धनिया कैसे रह सकता था, वो भी शामिल कर देते हैं। तो व्यूवर्स इस तरह से हमने बड़ी आसानी से चिकन अंगारा की रेसिपी बना के रेडी कर ली है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा, मैं भी अपनी फैमिली के साथ चल के इसको एंजॉय करती हूँ। और उससे पहले ये कोयला बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।